अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपके लिए मज़ेदार सी फ्राई फिश मैं बना रही हूँ और ये बहुत झटपट सी बन जाती है, तो मैं आपको इसकी रेसिपी देती हूँ। चलिए आइए, आपको बताने जा रही हूँ फ्राइड सैलमन फिश, उसकी रेसिपी मैं आपको देती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ सैलमन फिश है, मैंने ली हुई है तकरीबन 200 ग्राम, और ये मैंने लिया हुआ यहाँ कॉर्नफ्लोर मुझे चाहिए। यहाँ मुझे बेसन की भी ज़रूरत है, बेसन है, और ये मैंने लिया हुआ है गरम मसाला पाउडर, और ये है हल्दी पाउडर, ये चाट मसाला है, और यहाँ है ज़ीरा भुना हुआ जो मैं ले रही हूँ, ठीक है, और ये है कसूरी मेथी। ये मैं आपको गाइस बताते चलूँ कि ये है कश्मीरी चिली जो होती है, वो पिसी हुई है, वो मैं यूज़ करूँगी इसको कलर देने के लिए, जिस तरह से थोड़ा अपना बारबेक्यू कलर आ जाएगा रेड से, तो इससे बहुत अच्छा कलर आता है। साथ में लेमन जूस है और सॉल्ट है। तो हम सब स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। हमने फिश ली, एक एक करके मैं यहाँ फिश लूँगी, एक एक करके फिश को मैं यहाँ रखूँगी। हल्का हल्का सा पहले मैं इसमें मैदा छिड़क लूंगी, हल्का सा। आप मैदा भी ले सकते हैं और कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं, आगे पीछे अच्छी तरह दोनों तरफ। इस तरह से सब फिश में आप इसको कोट कर लीजिए फर्स्ट, इससे बहुत अच्छा क्रिस्पी बनती है आपकी फिश। ठीक है, ये हमने कर लिया और इसको मैं तकरीबन 5 मिनट्स के लिए छोड़ूंगी और फिर आपको बताती हूँ इसका मैरिनेशन। अच्छा, ये देखिए गाइस, मैंने इसको लगा दिया था 5 मिनट्स के लिए, मैं इस पर कॉर्नफ्लोर मैंने छिड़क के अच्छा सा इसको रख दिया था 5 मिनट्स के लिए। अब मैं इसको साइड पे करती हूँ और अपना मैरिनेशन के लिए हम एक बॉल लेते हैं और इसमें हमें अपना मैरिनेशन रेडी करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती जाऊँगी। मैं ले रही हूँ इसमें बेसन और मैं इसमें ही सब चीज़ें आपको डाल के बताऊंगी, इसकी जो मैरिनेशन बनेगी, जो डिप बनेगी इसकी। ठीक है, 1 टेबल स्पून भर के, 1.5 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें डाला जिंजर गार्लिक पेस्ट। ठीक है, चुटकी तकरीबन मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून पूरा भर के मैं इसमें डाल रही हूँ चाट मसाला, नमक जाएगा 1 टीस्पून क्योंकि मैंने नमक पहले भी उसमें हल्का सा फिश पे लगा के मैंने इसे नमक डाल दिया। मैं डाल रही हूँ इसमें कश्मीरी रेड चिली पेस्ट, ये फुल भर के मैं 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ, 1 टेबल स्पून थोड़ा सा हाफ, इससे ज़रा मज़ा अच्छा आएगा, स्पाइसी बनेगा आपका। चुटकी भर इससे यहाँ डालूंगी मैं कसूरी मेथी को, हाथ से मैं इस तरह कर लूँगी, इससे भी आपका फिश में जायका अच्छा आता है। साथ में भुना हुआ ज़ीरा डाल रही हूँ 1 टीस्पून, ये सब चीज़ें मैंने इसमें कर ली हैं ऐड, और 1 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ गरम मसाला। तो हमारे ये सब चीज़ें हो गई, अब मैं इसका अच्छा सा पेस्ट बनाऊंगी, थोड़ा सा पानी डाल के 2 टेबल स्पून पानी डालिएगा इसमें और पहले चेक कर लीजिएगा अच्छा सा बन जाए। अब काफ़ी लोग इसमें अंडा भी यूज़ करते हैं लेकिन मैं अभी यूज़ नहीं कर रही, मैं सिर्फ बस इसमें बेसन में ही इसको अच्छा सा मैरिनेट करके रख दूँगी। सब चीज़ें इसमें चली गई हैं, अब बस एक एक फिश को लेके मैं इसको करती जाऊंगी। इस तरह से एक एक फिश को लेके
अच्छी तरह से लगा लीजिएगा गाइस, बिल्कुल फिश में कोट कर लीजिएगा अच्छी तरह से। ये दूसरा भी मैं कर रही हूँ पीस। पेट पे रखती जाइए इस तरह सारे करके, और तकरीबन 1 आवर के लिए मैं इनको इसको रख दूंगी फ्रिज में, और उसके बाद मैं आपको दिखा। सो गाइस, ये मैंने 1 आवर के लिए इसको मैरिनेट करके रख दिया था, और अब मैंने इसको निकाला और फ्राई करके मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, ये देखिए, मैं अभी आपको एक एक करके दिखाती रहूँगी। मैं फ्राई के लिए डाल रही हूँ इसमें शुरू में तेज रखिएगा ऑयल, और उसके बाद थोड़ा सा मीडियम कर दीजिएगा। मैं 3 पीसेस डाल रही हूँ, बस काफ़ी होंगे, इनफ होंगे इसके लिए। और इसको गाइस अच्छी तरह से फ्राई करके फिर मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। गाइस देखिए, इस तरह से मैं इसको फ्राई कर रही हूँ, मैं आपको पलट के इसको दिखाती हूँ। आप कर सकते हैं, ये देखिए कलर देखिए, आप कितना ज़बरदस्त कलर आ रहा है इसमें, बहुत प्यारा सा कलर आ रहा है। मैं इसको सब निकाल के आप फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, ये हमारी फिश हो गई है अब रेडी, बहुत ज़बरदस्त सा कलर आ गया। फ्लेम में ऑफ कर रही हूँ और फिश को आपको निकाल के दिखा रही हूँ। हमारी फिश से मैं आपको टिश्यू पेपर रख लीजिएगा नीचे गए, मैं निकाल दीजिएगा। बहुत अच्छी सी क्रिस्पी बनी है ये हमारी फिश रेडी है, मैं आपको इसको सर्व करके दिखाती हूँ। गाइस, ये मज़ेदार सी हमारी फिश रेडी हो गई है। अगर आप चाहें तो इस पर हल्का सा चाट मसाला ऊपर से डाल के खा सकते हैं, और साथ में ये चटनी और चाट मसाला मैंने इसको साइड में भी रख दिया है। अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं चाट मसाला और इमली की रेड स्पाइसी वाली जो चटनी होती है उसके साथ, बहुत मज़े का लगेगा। ओके गाइस, दुआ में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह।